हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट योर मोटरसाइकिल विद किक स्टार्ट। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा मिस्टर आसिफ को, जिन्होंने मेरी वीडियोस और अपने भाई की मदद से बाइक चलाना सीखा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर आसिफ एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ, जिसके वजह से आप इजीली आगे चल के समझ पाओगे कि किक स्टार्ट कैसे वर्क करता है, सेल्फ स्टार्ट कैसे वर्क करता है। दोस्तों किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए हल्का सा एक मोमेंटम का ज़रूरत होता है, यानी कि एक फोर्स या एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है जिसके वजह से वो अपना रोटेशन चालू कर सके। सो वो जो काम है वो कर देगा आपका या तो किक स्टार्ट या तो जो है वो सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट है दोस्तों, उसके अंदर जो होता है एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो कि आपकी बैटरी के यूसेज के वजह से आपके इंजन को मूवमेंट करता है, उसको पावर देता है, उसको फोर्स करता है, जिसके वजह से आपका इंजन जो है वो चालू होता है। और अगर आपके पास सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो यही सेम चीज़ आप जो है वो अपने किक स्टार्ट से कर सकते हो, यानी किक स्टार्ट को आप पुश करोगे नीचे जिसके वजह से आपका जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किक स्टार्ट जो है वो कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको जो अपना इंजन है वो ऑन करना है। ये याद रखना है कि आपका जो गियर है वो न्यूट्रल में होना चाहिए, फर्स्ट गियर पे या सेकंड गियर पे नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है इंजन किल स्विच है उसको ऑन रखो, आपका जो पेट्रोल स्विच है उसको ऑन रखो, फुल क्लच आपको प्रेस करके रखना है और जो आपका किक स्टैंड है लीवर उसको नीचे करना है। अभी मेरे इसमें विदाउट पैग को ऊपर किए नहीं हो सकता, तो मुझे जो है वो पैग ऊपर करना पड़ेगा। और फिर दूसरा चीज़ है आप जो है अपना पैर को नीचे बराबर उसके अपने किक स्टार्ट के लीवर पे रख दो और फिर आपको हल्का सा एक पुश करना है जिसके वजह से आपका जो बाइक है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा नीचे लेके जाओगे तो स्टार्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो यहाँ पर सब मैंने कंट्रोल्स बता दिए हैं। अब जो है मैंने यहाँ पे फुल क्लच प्रेस करके रखा है, मेरा गियर न्यूट्रल पे है, मेरा जो फ्यूल स्विच है वो ऑन है और मैं यहाँ पे हल्का सा एक पुश करूँगा। जितना भी आपके पास अगर ज़्यादा आपको ज़्यादा पावर नहीं लगाना है, हल्का सा एक पुश करना है, दिख रहा है। फिर एक बार बाइक स्टार्ट हो गया, उसके बाद जो है आप वो एक्सेलरेशन दे सकते हो। एक्सेलरेशन जैसे ही आपने किक मारा है उसके बाद तुरंत ऑन द स्पॉट देना है। एक बार चाहिए तो मैं फिर से करके बता देता हूँ आप लोगों को, अपने की इग्निशन में डाल के ऑन कर दिया है और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको मेरा बाइक जो है वो स्टार्ट हो गया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप प्रैक्टिस करो, एक दो तीन बार ट्राई करो, आपसे हो जाएगा, बहुत सिंपल है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आप बहुत टाइम जो है अपना बाइक एक जगह पे पार्क करते हो जिसके वजह से बाइक का जो बैटरी है वो कम हो जाता है, यानी कि वो ड्रेन हो जाता है और जिसके वजह से आप जो है अपने बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाते। तो उसको स्टार्ट करने का भी एक तरीका है जिससे आप अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे सिंपल चीज़ है ये है कि आपको बाइक को एक स्पीड में लेके आना है, उसको फर्स्ट गियर पे रखना है और जैसे ही आप एक एप्ट स्पीड पे पहुंच जाओगे, यानी कि एक 10 किलोमीटर पर आर का स्पीड, तो आपको जो है वो क्लच छोड़ देना, जिसके वजह से ये होगा कि आपका जो बाइक है उसको झटका लगेगा और जिसकी वजह से आपका बाइक का इंजन चालू हो जाएगा। ये आपने बहुत जगह पे देखा रहेगा, मैं भी आई थिंक सो कुछ वीडियो इसके पहले वायरल हुए थे जिसमें भी आपको ये चीज़ बताया था, तो यहाँ पे मैं आपको सेम चीज़ करके बताता हूँ। सबसे पहले सो मैं अपना जो है गियर को फर्स्ट पे कर देता हूँ। क्लच जो है वो फ़िलहाल फुल करके रखूँगा क्योंकि अगर आप क्लच जो है वो प्रेस करके रखोगे तो आपका बाइक जो है वो मूव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है अभी ये लॉक हो गया। सो मैं इसको फुल क्लच प्रेस करके रखता हूँ और मैं अभी इसको हल्का सा स्पीड दूंगा। अभी सीन ऐसा है कि ये जो है वो फ्लैट सरफेस है, सो मुझे इसमें जो है वो नीचे उतर के पुश करना पड़ेगा। अभी ट्राई करते हैं एक बार बाइक पर बैठ के। दिख रहा है इस तरीके से मैंने अपने बाइक को थोड़ा सा पुश किया और फिर झटका दिया तो ये जो है वो चालू हो गया। अब बाइक को पुश करते करते ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे थक गया हूँ। दोस्तों वीडियो जो है ये एंड तक देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं जो कुछ कॉमन डाउट्स है जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप कहीं पर जा रहे हो लाइक 40, 60 या कोई भी एक स्पीड हो, आपका बाइक रनिंग में है
और कभी कभी जो है अगर आपका बाइक जो है उस टाइम पे बंद हो जाता है तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है। उस सिचुएशन में आपको डरना नहीं दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है। ऑफकोर्स ये बाइक है, इंजन है, तो ऐसे सिचुएशन में ये हो सकता है कि रनिंग मोड पर ये कभी कभी बंद हो जाए कुछ एक टेक्निकल रीज़न की वजह से। सो आपको सिर्फ सिंपल चीज़ ये करना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर फुल क्लच प्रेस करके रखना है, फुल क्लच प्रेस करके रखो। और अभी जो मैंने बताया पुश स्टार्ट वो ट्राई मत करो प्लीज़, क्योंकि वैसा अगर आप रास्ते पे ट्राई करोगे कि क्लच को फुल प्रेस करोगे फिर छोड़ दोगे सो मे भी हो सकता है कि आपका पीछे का व्हील जो है वो स्कीड हो और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। सो उस सिचुएशन में वैसा कुछ चीज़ ट्राई मत करो, आप जो है फुल क्लच प्रेस करके रखो। और सेल्फ स्टार्ट अगर आपके पास है तो सेल्फ स्टार्ट देने का ट्राई करो। अगर आपके पास सेल्फ स्टार्ट नहीं है और अगर आप बैलेंस कर पा रहे हो तो वैसी बाइक में आप जो है वो किक स्टार्ट दे सकते हो, लेकिन अगर आप हाईवे पे हो तो आपको वैसा कुछ नहीं करना है। आपको सिग्नल इंडिकेटर में ये बताना है कि आपका बाइक जो है वो ख़राब हो गया और आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, और आपको अपना बाइक जो है वो राइट में लेके जाना है, यानी कि हाईवे के एंड में लेके जाना है, और वहाँ पे अपना बाइक जो है वो साइड में पार्क करके फिर से एक बार ट्राई करो। सो अगर आप पैनिक हो जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इस तरीके से इस सिचुएशन को डील करना है। सबसे कॉमन क्वेश्चन दोस्तों मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या अपनी किक स्टार्ट बाइक में मैं सेल्फ स्टार्ट इंस्टॉल करवा सकता हूँ कि नहीं। सो उसका आंसर है दोस्तों यस, आप करवा सकते हो, लेकिन मैं उसके लिए कोई आपको एक स्पेसिफिक प्राइस नहीं बोलूँगा। बहुत सारे ऐसे आफ्टर इफेक्ट इक्विपमेंट्स आते हैं जो आप अपने बाइक में लगाओगे तो आपका बाइक जो है किक स्टार्ट से सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो प्राइसिंग होगा वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हर एक बाइक का मॉडल डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से हर एक जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो भी डिफरेंट रहेंगे। मे बी वो कुछ कॉस्टली रहेंगे, कुछ सस्ते रहेंगे। अभी जैसे रॉयल एनफील्ड के लिए जाओगे तो आई थिंक सो कुछ 16-17,000 लास्ट टाइम मेरे एक फ्रेंड ने करवाया था तो उतना कॉस्ट हुआ था। मे बी आपकी बाइक का उतना नहीं हो, कम हो जाए, पर उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, लाइक स्टार्टअप मोटर लगेगा, फिर आपको कुछ केबल्स लगेंगे, फिर आपको एक्स्ट्रा जो कनेक्शन है वो बैटरी तक बिठाना पड़ेगा। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, एंड मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए प्लीज़ बी टेक केयर एंड बाय बाय।